मनीष कश्यप के जदि पश्चिम बांगलार कोनो दिन देखी धुती खुले नग्न करे मनीष कश्यप चाड्डीधारी सांबादिक के विताड़ित करब। तो ये तमाम जो भोसड़ी वाले आज जो ज्ञान चोद रहे हैं ना, तो कि भोसड़ी वाले तुम बात किससे कर रहे हो? अगर एक बाप की औलाद है मनीष कश्यप, अगर इसकी माँ ने सही में इसको छाती का दूध पिलाया है और ये एक बाप के वीर्य से पैदा हुआ है, 24 घंटे के अंदर अगर मनीष कश्यप बिहार नहीं लौटा तो समझ जाना भोसड़ी के पूरे बिहार ने मिल के रेला है। आमी ए आली अपनी दक्षिण यूट्यूब बांग्ला टेन चलो आगे बढ़ा जा। एक जन नय दो जन नय दस दस जन बिहारी के कलाय दड़ी दिए छुड़िए दिया हुए छे। 8 জনের মৃত্যু হয়ে গেছে, 2 জনের অবস্থা এতটা ভয়ঙ্কর হসপিটালে ভর্তি আছে। বিহারীদেরকে দেখা মাত্রই অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, এমনই একটি খবর দিন রাত মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। এই বিভ্রান্তকর মিথ্যা খবরটা ছড়িয়েছিল আপনাদের ডিসপ্লেতে দেখুন। মনীষ কাশ্যপ একজন চাড্ডিধারী সাংবাদিক, তার সাথে সাথে কিছু পোষা কুত্তা ছিল, এখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এই চাড্ডিধারী সাংবাদিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি হাতের কাছে পায় মারতে মারতে কারদে ভরবে। কিন্তু এই মালটি এখন লাপাতা, নিখোঁজ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তামিলদের মধ্যে আর বিহারীদের মধ্যে বিরাট বড় একটি যুদ্ধ লাগাবার চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সেটা সাকসেস হতে পারেনি। এই মনীষ কাশ্যপকে যদি আমি এই পশ্চিম বাংলায় কোনোদিন দেখি ধুতি খুলে নগ্ন করে বাংলা ঘুরিয়ে এই মনীষ কাশ্যপ চাড্ডিধারী সাংবাদিককে বিহারে বিতাড়িত করব। কারণ আমরা হলাম মাফিবীরের আওলাদ নয়, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাদের রক্ত আমাদের শরীরে রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই দেশের জন্য তারা রক্ত দিয়েছিল, আর এর পূর্বপুরুষ মাফিবীরের আওলাদ, ইংরেজ রানীদের পা ধুয়ে পানি খেয়েছিল, ইংরেজদেরকে লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়েছিল, তাদের বংশধর। 24 ঘন্টা হিন্দু মুসলমান জাতিভেদ ভেদাভেদ ছাড়া কোন রকম খবর কিন্তু এ করে না। এখন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এই জঙ্গলি পশুটা এসে হাজির হয়েছে, এখানে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পুলিশ মোটা মোটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তামিলনাড়ুর পুলিশ আর বিহার পুলিশ যদি একবার পেয়ে যায়, একদম ধপা ধপ মারতে মারতে কেলাতে কেলাতে গারদে ভরবে, গারদে। হিংসা কখনো চিরস্থায়ী হয় না, হিংসা হলো ক্ষণস্থায়ী। তাই যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার জন্য, জাতিভেদ করছে, তাদের কিন্তু পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর হবে। ইতিহাস খুলে দেখুন, তাদের পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়েছে। চলুন এই মনীষ কাশ্যপকে, চাড্ডিধারী সাংবাদিককে বিনয় দুবে কিভাবে ঘষা মাজা করলো আপনারা ভিডিওটি দেখুন। বিহার মে এক ভড়ুয়া ফরার হুয়া হ্যা, एक पुलिस FIR क्या हुई, इसने अपनी औकात दिखा दी। ये अपने आप को इतनी बड़ा तोप, इतना बड़ा बाहुबली समझता था, लेकिन आज किस बिल में जाकर छुपा है कोई देख ही नहीं पा रहा है। ऊपर से हर 2 घंटे पे आकर वीडियो के माध्यम से रंडी रोना, ये तो इसका पेशा है। ये अगर रंडी रोना ना करे तो इसे कोई भीख भी ना डाले। मैंने जब इसकी कुंडली खंगाली तो करीबन 10 FIR निकले, कोर्ट की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ इसके ऊपर निकली। जब मैंने इसके विषय में वीडियो बनाकर आज सुबह सोशल मीडिया पर डाला तो इसके जो नाजायज बच्चे हैं, जो बिहार में इसका अड़ुआ सहलाते हैं, झाटों में राई का तेल लगा के कंघी करते हैं, उनको बहुत बुरा लग गया। उनका ये कहना था कि वो मजदूरों की आवाज़ उठा रहा था, तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके लिए उसने संघर्ष किया, तमिलनाडु भी चला गया, तुम घर में बैठ के केवल बकचोदी करते हो। तो बेटा ऐसा है कि अगर सही समय पर विनय दुबे और हम जैसे तमाम लोगों ने इस मुद्दे की सत्यता नहीं जांची होती ना, तो आज बिहार के लोग तमिलनाडु में कुत्ते जैसा मार खा रहे होते। किसकी वजह से? इन जैसे भड़ुआ पत्रकार की वजह से। बताता हूँ, सोचो अगर तेजस्वी यादव को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस वीडियो का सहारा लिया, वो था राजस्थान के एक वकील के चाकू मारकर की हुई हत्या का वीडियो। गूगल कर लेना भोसड़ी के जोधपुर की ये घटना को बिहार का बता के तमिलनाडु से जोड़ दिया गया। सोचो अगर
उस वीडियो को रोकने के लिए अगर हम जैसे लोग नहीं उतरे होते, एक्सपोज मीडिया नहीं उतरा होता, द एक्टिविस्ट वेद प्रकाश नहीं उतरे होते, विकास राज नहीं उतरा होता, तो आज तमिलनाडु में अगर तमिल लोगों ने भी जवाब देना शुरू किया होता तो क्या परिस्थिति होती। जिस घटना को लेकर तमिलनाडु के लोगों पर सवाल दागे गए, मैं देख रहा था बिहार के बहुत सारे चैनल थे जो उकसा रहे थे कि हम भी बदला लेंगे, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन तमाम यूट्यूब चैनल तो भोसड़ी के घर में बैठे थे। तमिल लोग अगर इस बात को गंभीरता से लेते और उनको ये लगता कि साले हमारे राज्य के सम्मान के साथ खेला जा रहा है, जो घटना हमने की नहीं उसके बावजूद भी हमें गालियां दी जा रही हैं, तो अब चलो इसको हकीकत ही कर दिया जाए। अगर तमिल के लोगों ने वहां पर चुन चुन के बिहारियों को मारना चालू किया होता केवल इस वजह से कि बेवजह उनको बदनाम किया जा रहा है, अगर तमिल के लोगों ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया होता तो ये तमाम जो भोसड़ी वाले आज जो ज्ञान चोद रहे हैं ना, ये कहीं दिखाई नहीं देते। ये उस समय भी नहीं दिखते थे जब महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और राज ठाकरे के लोग जो हैं बिहारियों को चुन चुन कर पेला करते थे। उस समय ये तमाम भोसड़ी वाले किस बिल में छुप जाते थे, दिखाई नहीं देते थे। उस समय यही विनय दुबे अकेला आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछता। ये आजकल के जो नए नए बिहारी पैदा हुए हैं ना, जो नाजायज संतानें हैं, जो कश्यप का अंडुआ सहला रहे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि तुमने बिहार के लिए क्या किया है। बेटा, मैंने अगर बिहार के लिए नहीं किया होता ना, तो आज जो बिहार में जाकर अपनी मेहरारू को टपाटप ले रहे होते ना, यहीं दफन हो गए होते मुंबई में। नहीं मालूम है तो पहले जानकारी कर लिया करो कि भोसड़ी वाले तुम बात किससे कर रहे हो। ये मनीष कश्यप जैसे टटुए सहला कर लोगों को भड़का कर व्यू कमा कर पैसे कमाने का धंधा विनय दुबे का नहीं है। विनय दुबे हकीकत में अपने उत्तर भारतीय भाइयों के साथ कंधे से कंधा लड़ाया, जेल गया। लॉकडाउन जब पहली बार बढ़ाया गया था ना, तो इसी बिहारी और उत्तर भारतीयों के लिए विनय दुबे ने आवाज उठाई थी। बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, 14 दिन जेल रहा और इतनी बड़ी ताकतवर केंद्र सरकार को झुका के जेल जाने के केवल 2 दिन के अंदर श्रमिक ट्रेनें चालू कराई। ये श्रमिक ट्रेनें किस राज्य में गई? बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। और आज वही बिहारी पूछता है कि तुमने बिहार के लिए क्या किया है। अबे झाटू, अगर उस समय श्रमिक ट्रेनें नहीं चल रही होती ना, तो यहाँ कितने ही बिहारियों की लाशें कोरोना में सड़ चुकी होती और घर नहीं पहुँच पाए होते। कितने ही नौजवान बच्चे अपने माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाए होते। कितने ही बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का शक्ल नहीं देख पाए होते। कितनी पत्नियों बिहारी पत्नियों की ना मांगे उजड़ गई होती, अगर उस समय मैं जेल में जाकर इस मुद्दे को उठाकर यहाँ पर बवाल नहीं हुआ होता। और तुम भोसड़ी के मुझसे पूछोगे कि मैंने बिहार के लिए किया है। पहले झाट की औलादों जाओ, पहले बिहार के लिए कुछ करना, उसके बाद सवाल पूछना। और ये ना मनीष कश्यप जैसे अंडुए भड़ुए को ना पत्रकार मत बोला करो। इनकी औकात झाट के बाल में उगने वाले जू के बराबर है। अगर इतना ही बड़ा मर्द होता ये भोसड़ी वाला, तो कहाँ बिहार के बाहर छुप के बैठा है। उसको बोलना भोसड़ी के काहे छुप के घूम रहा है, मुँह छुपा के घूम रहा है। अगर एक बाप की औलाद है मनीष कश्यप, अगर इसकी माँ ने सही में इसको छाती का दूध पिलाया है और ये एक बाप के वीर्य से पैदा हुआ है, 24 घंटे के अंदर अगर मनीष कश्यप बिहार नहीं लौटा, तो समझ जाना भोसड़ी के पूरे बिहार ने मिल के रेला है, पूरे गांव ने मिल के शहनाई बजाई है, तब इस जैसे झाट की और सुअर की औलाद इस धरती पे हगते समय गिर के आई है। पहले अपने बाप को बोल, जो भी भोसड़ी वाले इस समय इनके गांड में मिर्ची लगी है ना मेरी वीडियो की वजह से, उनको जाके बोलो तुम्हारा जो नाजायज बाप बैठा है ना, उसको पहले बिहार आने को बोलो। इतना ही बड़ा शरीफ है, इतना ही बड़ा मदद किया है मजदूरों का, बिहारियों का, तो भोसड़ी के छुपना किस चीज़ का है? किस चीज़ से डर रहा है? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी, पट्टा पट्टा मार खाएगा, राई का तेल का ऐसे गांड में बांस घुसाया जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर इसको नेता बनना है, इसको कल को विधानसभा लड़ना है, तो ये सब झेलना पड़ेगा। बिना पट्टा खाए नेता बन जाओगे? मैं हमेशा से कहता था कि भारतीय जनता पार्टी का ये RSS का छोटा रिचार्ज है मनीष कश्यप। आपने बहुत अच्छे काम किए, कोई डाउट नहीं, उस पर कोई शंका नहीं। आपने लोगों की, गरीब तबके लोगों की आवाज़ उठाई, पूरा देश ने आपका साथ दिया। लेकिन ये जो भड़ुआगिरी आप करने लग गए हैं ना, राजनीति के चक्कर में केवल अपने को विधायक बनाना है, सांसद बनाना है, 10-10 मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही बलात्कारियों को टिकट देती है। मनीष कश्यप का भारतीय जनता पार्टी का टिकट कन्फर्म हो गया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ,
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन ये भड़ुआ अपने लोकल क्षेत्र में पार्षद नहीं बन सकता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि जिस राजनीति पे ये चल रहा है ना, बिहार की परिस्थितियाँ उसके ठीक उल्टा है। वहाँ पे जब वोट देने जाता है ना एक बिहारी, तो देखता है कि भैया हमारे जात का है कि धर्म का है। वहाँ के लोग अपने मतदाता का इस्तेमाल करने के लिए, मतदान का इस्तेमाल करने के लिए जैसे जीजा चुनते हैं ना, वैसे गुण वो अपने विधायक में देखते हैं, तब जाके कहीं वोट देते हैं। इतना ही आपके गांड में दम होगा ना, कभी अपने विधायक का कॉलर पकड़ के देखो, इतना ही तुम्हारे गांड में चुनमुने काट रहे होंगे ना कि गलत के खिलाफ सच सुनने के बाद गांड में मिर्ची लगती है। तो कभी अपने सांसद से सवाल पूछो, तब तो मुंह में टोपा आ जाता है। और अगर कोई आपकी हकीकत आपको आईना दिखा दे तो बुरा लग जाता है। बोलो ना अपने भोसड़ी वाले बाप को कि कहाँ छुप के बैठा है गांडू साला, बातें बड़ी बड़ी और झाड़ जैसी औकात। होगा, मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई साहब, बड़े यूट्यूबर हैं, मियाँ खलीफा भी बड़ी यूट्यूबर है, तो क्या उसको भी बिहार का मुख्यमंत्री बना दे? सनी लियोनी से ज़्यादा फॉलोअर हैं इसके, सनी लियोनी से ज़्यादा फॉलोअर हैं, इसको भी बना देते हैं मुख्यमंत्री सनी लियोनी को बिहार राज्य का। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब के फॉलोअर और व्यू के मामले में जो सबसे ज़्यादा होगा सनी लियोनी या फिर मनीष कश्यप, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैं बिहार पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ जितना जल्दी होता है इस बवासीर ऑफ बिहार का इलाज करें। पता चला ये तमिलनाडु के हत्ते लग गया, तब तो ये इतना रोएगा कि सोच भी नहीं सकता है। इससे अच्छा बिहार पुलिस है कम से कम एक मानवता इंसानियत के साथ में इसका सेवा तो करेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मनीष कश्यप जैसे चूतियों को भगवान सद्बुद्धि दे। वैसे भी ये कागज़ का शेर है, कितने दिन अपनी खैर मनाएगा, वक्त आए पे इसको भी देखा जाएगा। बड़े बड़े देखे कहते हैं ना हमारे पूर्वांचल में कि बड़े बड़े हाथी डूब गए, गधा बोले कितना पानी। तो ये भाई साहब गधा की तरह इस समय विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, रोए धोए जा रहे हैं। जो कभी किसी की रलाई करता था, बड़बड़ाता था, जो गिड़गिड़ाते हुए देश देख रहा है, यही होता है, समय का चक्र बदलता जरूर है। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी के टट्टे सहला कर, किसी के अंडवे चाट कर, किसी का टोपा मुँह में ले के ना कभी किसी का भला नहीं हुआ है। हकीकत को देखिए, समझिए, इस आदमी ने वो बवाल करने से हम लोगों ने रोका है जिसके अगर हम नहीं रोकते तो आज बहुत सारे माओं की कोख जो है सूनी हो जाती, बहुत सारी पत्नियां महिलाएं जो है ना वो विधवा हो जाती। इसका कृत्य तो इतना गंदा है कि भोसड़ी वाले को 300 मीटर का बांस भी गांड में डाल दे तो भी कम है। केवल अपने सब्सक्राइबर और व्यू पाने के लिए, केवल अपना नेम और फेम बनाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर जाएगा। ये देखेगा कि नहीं, वहाँ पर बिहारियों की लाश गिराई जाएगी, उससे इसे क्या फ़र्क पड़ता है। जब अयान जैसे मामले में भोसड़ी का पैसा खा गया, एक बच्चे की ज़िंदगी के नाम पर, इलाज के नाम पर ये भोसड़ी वाला पैसा खा गया, तो इसके लिए कोई जात धर्म ईमान उमान कोई चीज़ बची नहीं है। इसके लिए बची है तो केवल पैसा। कोई भी 10 रुपया ज़्यादा फेंको, आपके अंगने में आके नाचेगा। घबरा मत, तेरे को भोसड़ी के कहीं पर रंडी डांस होता होगा ना, तेरी मुंह मांगी कीमत पे तुझे नचाएंगे। वक्त का इंतज़ार करो, तेरा तो अच्छे से इलाज होगा बेटा। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद।